खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कोरोना संक्रमण के चलते जहां आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, गरीब तबका भोजन के लिए दर बदर भटकने की कगार पर है। ऐसे में कुछ समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर अपने कार्यों के माध्यम से अपनी सजगता का परिचय देकर आम आदमी को भोजन एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवा रही है। बदनावर में श्री सहयोग सेवा संस्था के बैनर तले मनोज सोमानी, संजीव अग्रवाल, पंकज ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक ने मोर्चा संभालकर आम आदमी एवं गरीब तबके की सहायता की जिम्मेदारी को संभाल रखा है। घर घर पहुंचकर किराना सामान भी उपलब्ध करवा रहे हैं एवं राहगीरों एवं जरूरतमंदों को भोजन करवाने सहित सराहनीय कार्य भी किए जा रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना वायरस का जो वायरस फैला बदना पूरे भारत देश में, उसको देखते हुए नरेंद्र जी मोदी ने जो बोला है कि भैया डिस्टेंस बना के रखें, दूर दूर रहकर ही इस कोरोना वायरस को हम दूर भगा सकते हैं। दूर रहने के साथ साथ जो घर में रहेंगे, जो लॉकडाउन करा है पूरे भारत देश को, उसका पूर्ण रूप से सभी अपना पालन करें। और आज हमारे बदनावर नगर में सहयोग सेवा संस्था द्वारा एक नई पहल चालू की गई है। तो लॉकडाउन के साथ जो व्यापारी को हमने कुछ 10 व्यापारी को चयनित किए हैं किराने के व्यवसाय वालों को, उनके वहाँ से हम ऑर्डर लेते हैं और घर घर जाकर हम किराने का सामान लोगों के घर पहुँचा देते हैं और वहाँ से जो उनका बिल होता है वो लेके आ जाते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम सहयोग सेवा संस्था के माध्यम से सेवा कार्य में लगे हैं। हम चाहते हैं कि जो अभी जो परिस्थितियाँ बनी है, इस परिस्थिति में कोई भी भूखा ना सोए। हम हमारे साधनों में और हमारे भैया के मार्गदर्शन में जो भी काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और हम पीछे सेवा कार्य में उनके साथ लगे हैं। चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरी सब लोगों से आपसे यही अपील है, जो भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने आस पड़ोस में, आस पास में कहीं देखें, अगर आपको कोई ऐसा भूखा और ज़रूरतमंद या कोई बीमार व्यक्ति दिखता है तो सबसे पहले उसकी सहायता करें। आज के समय में इससे बड़ा पुण्य कार्य और सेवा कार्य कुछ नहीं। सामाजिक काम करने में आजकल ये हो गया कि सबको लगता है कि सामाजिक काम सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं या उसकी सीढ़ी चढ़ने के लिए कर रहे हैं, मगर बचपन से ये शौक है और कोई ये राजनीति के लिए नहीं, ये परिवार का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो मुझको संस्कार मिले हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि कमज़ोर है या जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं भूख लगे और भोजन करना वो प्रकृति है और भूख नहीं लगे और भोजन करना वो विकृति है, और भूख लग रही है और अपने पास भोजन है वो किसी को दे देना यही हमारी संस्कृति है, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि मैं जब कार सेवा में गया था, तो जब उस कार सेवा में जब हम गए थे तो वहाँ रास्ते में हमको प्रत्येक घर पे भोजन, पानी, साबुन की व्यवस्था थी। आज उसी प्रकार पूरा सनातन समाज हमारे पीछे खड़ा है, हमको कहीं मांगने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कोई कह रहा है मेरे से गेहूँ ले लो, कोई कह रहा है मुझसे तेल ले लो, कोई कह रहा है मुझसे कपड़े ले लो, मतलब गैस की टंकी ले लो। आज मेरे पास बालूजी हलवाई खड़े हैं, इन्होंने सहर्ष अपना मकान और अपनी पूरी टीम निःशुल्क उपलब्ध कराई है कि मैं पूरी जितने दिन ये कोरोना का वायरस का प्रकोप चलेगा उतने दिन निःशुल्क भोजन बनाऊंगा टीम के साथ। तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति पानी वाला पानी निःशुल्क दे रहा है, सब्जी वाले सब्जी निःशुल्क दे रहे हैं, इस प्रकार ये सब काम हम तो एक निमित्त मात्र हैं और हमारी जो टीम है कम से कम 50 लोगों की टीम है वो एक निमित्त मात्र है, कुल मिला के बाकी समाज का पूरा सहयोग है। आज हम खेड़े से हमको गाँव आ गए हैं, आज खेरवास से गाँव आ गए हैं और कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि आप 10 क्विंटल गेहूँ रखें ले जाओ सोमानी जी, मगर हमको जितनी आवश्यकता है उतना हम ले रहे हैं। मीडिया के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि आज के समय में जो मीडिया है वो निरंतर अच्छी चीज़ों को, जो सराहनीय चीज़ों को समाज के बीच में रख रहा है, ये प्रशंसनीय है, क्योंकि मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो एक समाज को सकारात्मक पहलू पेश करता है और उन्होंने प्रत्येक सामाजिक सेवा संस्थाओं का जो निरंतर समय समय पर समाज को प्रेषित कर रहे हैं उससे कई लोग प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मीडिया ही ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ और सकारात्मक चीज़ आगे बढ़ाता है। तो मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा, साथ ही साथ हमारे पवन जी और इनके साथ हमारे पधारी पूरी टीम को भी, कि निरंतर पूरे क्षेत्र में घूमकर सकारात्मक चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और जनता के बीच ले जा रहे हैं, ये साधु पाठ के साथ। कड़ुतला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।